जय जिनेंद्र। 2 मिनट की पाठशाला में आज हम द्रव्य के स्वरूप के बाद में उसकी संख्या आदि के बारे में विचार करेंगे। ऐसे तो जगत में 6 द्रव्य हैं, मतलब जब भी द्रव्य की संख्या के बारे में चर्चा होती है तब 2 बातें आती हैं, जाति की अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा। जाति की अपेक्षा देखने जाएं तो जगत में 6 द्रव्य हैं, यानी 6 जातियां हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 जातियां हैं। और उनकी संख्या की अपेक्षा देखना जाए तो जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म अधर्म आकाश ये एक एक हैं और काल असंख्यात हैं। कुल मिला के जब अपन द्रव्यों का संख्या के अपेक्षा से विचार करते हैं तो एक बात ख्याल में आती है कि जितनी जीवों की संख्या है उससे अनंत गुनी पुद्गल की संख्या है। तो जब मैं ये विचार करता हूँ तो ये लगता है कि ये एक जीव के सामने अनंत पुद्गल हैं और एक एक पुद्गल जीव को लुभा रहा है, और अगर ये जीव इन पुद्गलों पर प्रलोभित होता रहा और उनके पीछे दौड़ता रहा तो क्या कभी अपने तक आ पाएगा? कोई फुटबॉल खेलने वाला गोल को छोड़कर दर्शक की तरफ देखने जाए तो क्या वो कभी मैच जीत पाएगा? तो जैसे फुटबॉल का प्लेयर सारे दर्शकों से ध्यान हटा देता है, बॉल पर ध्यान रखता है और गोल पोस्ट पर पहुंचाना चाहता है, वैसे ही इस जीव को अन्य पुद्गल से ध्यान हटाकर इस जीव का ध्यान रखते हुए इस जीव को मोक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दर्शकों के चक्कर में हम मैच हार जाएं, पुद्गल के चक्कर में हम जीव से ही कट जाएं। ये हो रहा है, सारा जगत जो भी दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है और उसको देखने जानने वाला चेतन है, तो भी ये चेतन पुद्गल के व्यामोह में अपने आप को चेतन मानना छोड़ रहा है, यही इसकी शिक्षा है।